देखो अपने सामने भाई हैं जो भांग बेचते हैं। वो क्या हो गया? गांजा लगा रहा था पुलिस वाले के सामने ही। अच्छा, पुलिस वाला देखे हंस रहा उसे। मैंने बोला यार कुछ कह भी नहीं रहा। सब्सक्राइब कर लो। हापुर से बिजनौर 100 किलोमीटर, बिजनौर से लंबा जाके बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा यार। वो ये मेन है, इधर भी बंद कर रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया यहाँ पे है आपका बिजनौर सही है एमपी वालों की बहुत परेशान है यार। जो सी रास्ता की कह रहा है उसी रास्ता पे पहुँच रहा है, उसी रास्ता से भी कहते हैं इधर से चले जाओ उधर से चले जाओ। हापुर से चले गए वो बिजनौर वाला रास्ता पकड़ के, अगर उधर ही बंद हो गया तो दिक्कत आएगी यार। 12 बजे रात से फिर रहा है कोई। सही बात है, दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है भाई। पता नहीं यार कैसे हमारा 12 बजे रात में खुलेगा। 12 बजे रात में खुलेगा? रात के आज से रात के 12 बजे, मतलब शिवरात्रि खत्म होने के बाद ही खुलेगा भाई। हम जो लोग हैं जो लेट लतीफ जो आज के दिन आ रहे हैं शिवरात्रि बनाने के लिए हरिद्वार, वो उनके लिए एकदम कैंसिल है भाई। अगर हम गाड़ी पार के पैदल चले जाए तब पैदल वालों के लिए हो जाएगा। हम अभी छोटा हरिद्वार पहुँच गए भाई। देखो हमको तो एंट्री नहीं मिल रही यार हरिद्वार में। बहुत ट्राई कर लिया, सारे ट्राई कर लिया हमने, तो इतना छोटा हरिद्वार बचा। यहाँ से इधर है ना जी, और अपने सारे छाने वाले भाई मिल गए। कैसे करो एक बार फुल गलत फुल गलत फुल गलत। यहाँ भी भाई लोग हैं, इधर दिखाओ फुल गलत। ये भी ना पाता। चलो भाई देखो एटलास अपन पहुंच गए यार छोटा हरिद्वार। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ छोटा हरिद्वार कैसे दिखता है भाई। तुम देख लो मेरे सामने, ये पूरा छोटा हरिद्वार है भाई। गंगा जी का पानी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गंगा ही है जो हरिद्वार से होके आ रही है, तो ये बोलते हैं छोटा हरिद्वार, जो मुरादनगर में तो बताया था। और इधर भी देख लो प्रॉपर घाट्स वगैरह बने हुए हैं। बस यार अपन देखो अपन क्या करेंगे कि ना गंगा चल लेंगे और थोड़ा क्या आगे। देखो अपने सामने भाई हैं जो भांग बेचते हैं। वो क्या हो गया? देखो चले गए, मतलब भाई आपको शिवरात्रि है तो भांग वगैरह सब मिलेगी। हाँ हाँ जी। अरे देख लो भाई छोटी हरिद्वार तो पहली बार आया हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा मतलब सामान वगैरह मिल रहा है। देखो सामने मुरमुरे बोलते हैं, मुरमुरे प्रसाद, बेसिकली मुरमुरे का प्रसाद मिलेगा। और यहाँ भी देख लो काफ़ी मुरमुरे। और यहाँ पे गंगा जल भरने के लिए ना जो अपनी वो बाटली मिलती है वो है, अपने पास तो क्या है पीतल की बाटली है ना भाई। तो अपन पीतल की बाटली में भाई गंगा जल भरेंगे। और सबसे लास्ट तो भाई यही होता है कि यार अपने को गंगा जल लेके ना शिव जी के पास चढ़ाना है। वो तो चढ़ाना ही है भाई, मेरे घर को तो बताया था ना, वो तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। तभी शिवरात्रि का भाई मोल माना जाएगा, यहाँ पर शिवरात्रि सेलिब्रेट करिए, ठीक है। और इस बार ना सबसे ज़्यादा भीड़ आई है भाई हरिद्वार, सच में रिकॉर्ड बार। लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसे हुआ है ना, काफी भीड़ आई है भाई। पता चल रहा है, दिख रहा है यार लोग तो क्या है काफी नहा भी रहे हैं यहाँ पे यार। पर हम भी नहाएंगे नहीं, नहाने को नहा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई गंगा जल ले ले, सबसे मेन तो वही है। और मुंह हाथ जरूर धोएंगे यार, क्योंकि मुझे पापा मम्मी ने पहले ही कहा था कि भाई मुंह हाथ जरूर धोना है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ भाई, देख लो पानी थोड़ा सा यार गंगा जी का वो भी कुछ ज्यादा साफ नहीं हुआ है। देख लो भाई अपन ने दोनों पीतल वाली जो बाटली है अपनी जो बोतल है प्रॉपर भर दी है, ठीक है। तो गंगा जल तो ले लिया है, शुद्ध गंगा जल। अभी क्या है कि एक बार मुंह हाथ जरूर धो लेता हूँ भाई। ये देखो यार अपने सामने भाई है, ठीक है। और भाई कह रहे कि यार यहाँ का पानी तो फिर भी ठीक है, उत्तरकाशी में जो गंगोत्री है वहाँ का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। यमुनोत्री गंगोत्री में बहुत ठंडा पानी है, यहाँ पैर भी रख रहे हो वहाँ पैर भी नहीं रख पाओगे। अच्छा हाँ जी, तो आप लोग वहाँ से हो है जी? आज अभी तो आए। अच्छा, अब सीधा घर चल चला। तो आपका कांवड़ लेके गए थे प्रॉपर पैदल पैदल? चल लेने, चल लेने। तो चल लेने बाइक से? अच्छा बाइक से ही। हाँ जी ओके। तो ये उत्तरकाशी तो और ऊपर हो गया, उससे भी और ऊपर है। किधर है ये? उससे भी 200 किलोमीटर और है उत्तराखंड। अच्छा मतलब हरिद्वार से उत्तरकाशी से? अच्छा, उत्तरकाशी से भी 200 किलोमीटर ऊपर। उत्तरकाशी 200 किलोमीटर ऊपर और गए आप? अरे भाई तो कितने दिन में हो गया आपका? 500 किलोमीटर यहाँ से 500 किलोमीटर। क्या पानी है यार सच में भाई, यहाँ पे आके एक अलग सी वाइब है। और तुम देख रहे होगे पूरा चारों तरफ से गाना ही गाना बज रहा है, जितने अपने ट्रक वाले हैं और डीजे वॉर्स करते हैं। पहले तो यार अनफॉर्चुनेटली अपन तुम्हें डीजे वॉर नहीं दिखा पाए, वो ये इस बात वाला लेट हुआ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम्हें प्रॉपर डीजे वॉर भी दिखाएंगे अपन। डीजे वॉर थोड़ा अलग होता है, जितने लोगों को पता है उनको पता है भाई, जितने लोगों को नहीं पता तो मैं दिखाऊंगा पर अगले साल है ना। पर वही अब यहाँ से निकलने का वक्त ही हो गया यार। अब मेन क्या गंगा जल हमने भर लिया है, अब हमने मुँह हाथ धो लिया अपना, उसको स्नान नहीं कर पाए। हल्का उल्का देखेंगे कुछ स्नैक वगैरह, कुछ भी ऐसा यहाँ पे खास मिल रहा है जो घर में यादों की तरह ले जाऊँ वो खरीदते हैं।
तुम्हें दिखा भी देंगे फिर चलेंगे, है ना। तो देखो यार यहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं, ठीक है, एक मेरे लिए और दूसरा धीरज के लिए, ठीक है। धीरज भाई घर प्रसाद जरूरी है यार, एक धीरज भाई के लिए प्रसाद, एक अपन लिए, और सामने देख लो भाई। अरे वाह यार, मतलब ये खास बात है भाई यहाँ की यार, फुल अपने सुरूर में निकलते हैं भाई, फुल गाना बजा के ये लोग। सही में यार ये मिस हो गया भाई, अगली बार ना ऐसे ही आएंगे, बैठ के ट्रक में आराम से बसते हुए जाएंगे पूरे टाइम पूरे गाने। कोई कोई क्या कैसे जाएंगे धीरज? बसते बजाते हुए अरे भाई यार देखो धीरज भाई ने देखा है, धीरज भाई क्या देखा है तूने? भाई वहाँ पुलिस वाला था, मतलब बंदा था, बंदा था वो रगड़ रहा था, मतलब गांजा रगड़ रहा था पुलिस वाले के सामने ही। अच्छा, पुलिस वाला देख के हंस रहा उसे, मैंने बोला यार कुछ कह भी नहीं रहा और ये लाउड स्पीकर बोल रहे नशा करना मना है और वो कर रहा है उसी को पुलिस वाले के सामने कर रहा है और कुछ कह भी नहीं रहा। मैं ये बढ़िया, मुझे नहीं पता भाई तुम लोगों को आवाज आ रही नहीं आ रही यहाँ पे, बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन है। नॉइज पोल्यूशन भी यार अपनी भक्ति में लीन है सारे यार, ठीक है। वहाँ भी ये देखो, यहाँ भी ये नहीं बोलने देंगे भाई। पर अगर तुम लोगों ने सुन लिया होगा तो धीरज भाई कहना चाह रहा था कि वहाँ बंदा गांजा बना रहा था पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाले देखा हंसने लग गया। तो देख लो भाई, और मैं बता रहा हूँ पुलिस वाले बस आज तक तुम्हारे सहमत में है, कल अगर दिख गए तुम माल वाल बनाते हुए भाई सीधा पकड़ेंगे, ठीक है। तो यही तो बात है ना, लोग इतने क्यों फैन है भाई, इसीलिए लोगों को लगता है भाई पता नहीं क्या शिवजी गांजा ही पीते थे। हाँ। वो जहर था, वो विष था भाई ने पिया था, मतलब चलो ये हर किसी को पता है, लेकिन एक्चुअल भगत भी है, ऐसी बात नहीं, बहुत एक्चुअल भगत है, हम भी थोड़े बहुत भगत है, पर मैं एक्चुअल भगत नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं यार हर भगवान मानता हूँ, हर किसी भगवान को मानते हैं अपन, पर जो कट्टर शिवजी के फैन है वो भाई मुझे यहाँ पे चिलम मारते दिखते हैं भाई, ऐसा क्यों? जो कट्टर शिवजी के फैन है यहाँ मुझे, कट्टर भी छोड़ ज्यादा कर लोगे, मुझे यहाँ पे चिलम मारते दिख रहे हैं। कैसे मारते चिलम भाई बताइए जरा, आप देखो देखो कैसे उसका हाथ बन गया था चिलम मारते हुए। सब्सक्राइब कर लो। देखो वहाँ पे जो पुलिस वाले सर जा रहे हैं ना वो भी आए और उन्होंने चुपचाप हमें बोला कि भाई ये जो हमने झंडा लगा रखा है ना यहाँ पे इसको गार्ड बना के अंदर डाल लो, ऐसे अपमान होता है। धीरज समझ गए हमने गलती कर दी, कोई नहीं अब हम इसको गार्ड बांध के अंदर डाल रहे हैं। और सर ने ऐसा बोला जरूर होता होगा यार, मतलब अपना झंडा अपना तिरंगा है ना, हर जो बोलेंगे वो मानेंगे। कोई नहीं, अपन ने सोचा कि चलो एक प्राइड भी चल रही है, एक गर्व में, हाँ इंडियन साथ में भोले जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अपन निकल रहे हैं, यहाँ से गाड़ी बस चलती हुई नहीं कि दिल्ली भाई कितने किलोमीटर है भाई, यहाँ से 60-70 है, 60-70 किलोमीटर बस यार। अपन तो ऐसे शूट के लिए चले आते हैं भाई, ऐसे नॉर्मल जाता है। और आज तो अपन मतलब प्रॉपर हरिद्वार आने के प्लान में थे, ठीक है छोटे हरिद्वार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं पता भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्या लेके भाग रहे हैं भाई, लेकिन सच में ये जिस तरीके से कर रहे हैं ना भाई, एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस। देखो यार एक बंदा भाग रहा है, एक बंदा रुक रहा है, ऐसे बहुत सारी टीम बना रही है इन लोगों ने यार, पता नहीं भाई। देखो अगर ये कुछ रिलीजियस मैटर है, अगर यार देखो ये कुछ रिलीजियस मैटर है तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, पर यार थोड़ा सड़क देख के करें यार, मतलब सच में मेरे सामने 3-4 बंदे ठुकते ठुकते बचे, मुझसे नहीं यार खुद से ही आपस में ठुक जाते भाई, ये चला भी ऐसी लहर रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी बीच रोड में उतर रहे हो उसी टाइम बैठ रहे हो, बाइक पे बैठ रहे उतर रहे उतर रहे बैठ रहे हैं, आगे पीछे करी जा रहे हैं और बोल रहे हैं हमें बोल रहे साइड दो। वही यार कितनी साइड है भाई छोटी रोड में यार, मतलब देखो कैसे मतलब कुछ तो चल रहा है भाई, मुझे बताना कमेंट्स में कि ये क्या है यार, ठीक है बताना चाहिए। यहाँ पे भाई वेट कर रहे हैं, वैसे ही है ये कांवड़ वाले जो है ये बड़े शांति से जा रहे हैं। जस्ट ना मैं एंटर करने ही वाला हूँ, ठीक है, पर मैं यहाँ पे भाई एक चीज देख रहा हूँ जो मुझे सबसे बेस्ट लग रही है भाई, यहाँ के पुलिस वाले भाई लिटरली हर रेड लाइट पे इतने सारे पुलिस वाले हैं जो कि मतलब सबसे पहला भाई, जैसे बोलते ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, कांवड़ वालों को सबसे पहले कांवड़ वालों को सुविधा मिल रही है भाई, मतलब सच में दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस सबको यार मेरी तरफ से भाई शुक्रिया यार, जिस तरीके से ये लोग कांवड़ वालों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब इसे बोलते हैं अपना हिंदुत्व की यूनिटी, वो बहुत जरूरी है यार अपने हिंदुओं में यूनिटी। बाकी बातें और करूंगा नहीं वरना दिक्कत आती है ऐसे ना, इसको देख लो कैसे सो रही है यार, उड़ गया उड़ गया, तेरा शॉट मैंने ले लिया है पहले का सोते हुए, आ जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत बढ़िया देख लो यार अभी भी यार यहाँ से कांवड़ सारे ला रहे हैं, और देख लो मोदी जी है इधर अपनी गाड़ी है, अपन यहाँ पे अपना शेक खत्म कर रहे हैं, चलेंगे भाई ठीक है, लेकिन मुझे मजा आ गया देख लो भाई क्या बात है।